तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो। तो गाइस वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो। तो गाइस जो लोग अभी तक मेरा वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता ही रहता हूँ। गाइस साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर आईडी @imoj383 है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप लोग वहाँ से मुझे फॉलो कर सकते हो। तो गाइस मैं इस वीडियो में सिंपल यही बात करने वाला हूँ कि आप लोग फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कैसे कर सकते हो, वो भी इजी वे में। तो चलते गाइस यहाँ से वीडियो कर लेते हैं स्टार्ट। तो गाइस सिंपल, सबसे पहले गाइस आप लोग कुछ नहीं करना, जो आप लोग का जो भी यूज करते हो आप लोग फेसबुक या एफलाइट जो भी आप लोग यूज करते हो, सिंपल सबसे पहले आप लोग उसको अपडेट कर देना होगा। तो मैं पहले से अपडेट करके रखा हुआ हूँ, तो सिंपल आप लोग कुछ नहीं करना है। जो भी आप लोग यूज करते हो, फेसबुक आप लोग यूज करते हो तो ठीक है, नहीं तो आप लोग एफलाइट यूज करते हो, जो दोनों में से जो भी चीज़ आप लोग यूज करते हो उसको सबसे पहले आप लोग को प्ले स्टोर पर जाके अपडेट कर देना है। तो मैं यहाँ से पहले से अपडेट करके रखा हुआ हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ से ओपन कर लेता हूँ फेसबुक को। यहाँ से आप लोग देख सकते हो मेरा फेसबुक को ओपन हो गया। फेसबुक ओपन होने के बाद गाइस आप लोग ऊपर में 3 डॉट देख लो, इस पर क्लिक करना। इस पर क्लिक करने के बाद स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ सेटिंग एज प्राइवेसी का ऑप्शन है, इस पर कर देना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद सेटिंग का एक ऑप्शन है, सिंपल सेटिंग के ऑप्शन पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो गाइस सबसे पहले ऊपर में ही आप लोग देख सकते हो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो गाइस सिंपल आप लोग पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस इस तरह का कुछ इंटरफेस आएगा। तो गाइस आप लोगों को इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना। सबसे नीचे में देख सकते हो मैनेजमेंट अकाउंट, सिंपल मैनेजमेंट अकाउंट पर ही आप लोग को क्लिक करना, सबसे नीचे वाला पे। इस पर क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ से कुछ पेज लोडिंग होगा, ये देख सकते हो यहाँ से पेज लोडिंग हो रहा है, आप लोगों को वेट कर लेना है। यहाँ से 2 सेकेंड तक पेज लोडिंग होगा, यहाँ से देख सकते हो मेरा हो चुका है। यहाँ उसके बाद गाइस यहाँ से आप लोगों को डीएक्टिवेट का एक ऑप्शन मिलेगा, साइड में आप लोग देख सकते हो ब्लू से लिखा हुआ रहेगा, इस पर करना है क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग यहाँ से एक रीजन सेलेक्ट करना है, क्यों आप डीएक्टिवेट करना चाहते हो फेसबुक। तो मैं एग्जाम्पल के लिए एक ले लेता हूँ, आप लोग इसमें ले लेना। उसके बाद यहाँ पर इंटर योर रीजन लिखना है, यहाँ पर आप लोग कुछ भी लिख सकते हो, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ एग्जाम टाइम किस लिए आप लोग डीएक्टिवेट कर रहे हो। उसके बाद गाइस आप लोग सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन पर कर देना है क्लिक। तो यहाँ से मैं सिंपल कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ, और उसके बाद आप लोग यहाँ से डेट सेलेक्ट कर लेना है, कितने दिन में एक्टिवेट हो जाना चाहिए। यहाँ से आप लोग को कर देना है डीएक्टिवेट करना है कितना दिन के लिए, अब यहाँ से हो गया। उसके बाद आप लोग को कंटिन्यू के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हो जो ब्लू पट्टी है डीएक्टिवेट माई अकाउंट, इस पर कर देना है क्लिक। यहाँ से गाइस आप लोग को इस पर डीएक्टिवेट माई अकाउंट पर क्लिक जैसे करोगे आप लोग यहाँ से डीएक्टिवेट हो जाएगा। ये देख सकते हो मेरा आईडी जो फेसबुक आईडी था डीएक्टिवेट हो चुका है, ये देख सकते हो लॉग आउट हो रहा है ऑटोमेटिक। यहाँ गाइस आप लोग को डीएक्टिवेट हो गया, ये देख सकते हो सब चीज़ आप लोग प्रोसेस हो गया है। उसके बाद गाइस आप लोग इसी तरह से आप अपने फेसबुक अकाउंट को डीएक्टिवेट कर सकते हो, वो भी इसी वे में। तो गाइस वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके बताना। और गाइस जो लोग अभी तक मेरे वीडियो को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ लाइक या सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता ही रहता हूं। गाइस साथ साथ मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, मेरा यूजर आईडी @imoj383 है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस।